चल बढ़िया यार। चल शशांक से मिलेगा, कितने दिन हो गए, मिल के आते हैं। चलते हैं, तू चल रही है? मैं भी जाऊंगी, मेरे को मम्मी डांटेगी। चल ना, थोड़ी देर में आ जाएंगी, इतना क्या कर रही है। और भाई शशांक, और भाई क्या हाल? बढ़िया। तू सुना? बढ़िया। और नेहा कैसे हाल चाल? बढ़िया यार। और सुनाओ, सब बढ़िया ना? और तू आजकल कहाँ रहता है? छोरा का दोस्त आया था, पानी ले जाऊं। मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं। अरे मम्मी, आपको कितनी बार बोला मैं दोस्तों के सामने बताया करो, ये साथ तो पहनावा। सुन, नहीं मम्मी बाद में। और आप ऐसे कपड़े ऐसे बाहर जा, ये सब जोर से मत बोल, ठीक से जाऊं। आ जाते हो, लो भाई पानी पियो। और भाई आजकल कहाँ रहता है तू? यार आजकल घरवाले पठान करके रख गए, घर में रह रहा हूँ। और तो कहाँ रहूंगा, तुम दो बस घरवाले घरवाले की रट लगाए रखते हो सारा दिन भर। अब तो इतने दिन हो गए, तू एक बात बता, कल तू हमें पार्टी दे रहा है या नहीं दे रहा है? किस बात की पार्टी? तूने कहा था कि है ना, जब मिलेंगे ना तो पार्टी दूंगा। यार ऐसा थोड़ा ना होता, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। नहीं मेरे को नहीं पता कहीं से भी दे। अरे वो कौन सी नई मूवी लगी है? तू चलेगी देखने? नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी। सिम्बा पर नहीं चलेगी, सब चलेगी। तू दिखाएगा कल मूवी, पैसे पे तू ही देगा। मैं? हाँ तू। मैं दूंगा। हाँ तू देगा। बस है ही नहीं यार, कहीं से भी अरेंज कर। हमें नहीं पता। चल ठीक है, देखता हूँ। कौन कौन चल रहा है? ये चलेगी, चलेगा, मैं चलूंगी, और है ना ये भी चलेगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा। नहीं तू घर वाले से? हाँ घर वाले, मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। तुम दोस्त के लिए पैसों के अपने दोस्त के पीछे पड़ रहे थे हमेशा। वो चीज पीछे नहीं पड़े, इतने दिन बाद पार्टी दे रहे, तेरे को क्यों आग लगाने की लग रही इतनी? सही है, मैं जानती हूँ तुम्हारे दोस्त ही पैसों के दोस्ती करते हो। ऐसा कुछ नहीं, तेरी तो होती है। हाँ हो गई। तुम मम्मी के लिए तुम्हारे पास दो मिनट का टाइम नहीं, मूवी देखने के पास तुम्हारे लिए टाइम है? हाँ ठीक है, तू मत चलना यार, माता मत खराब कर इतने दिनों बाद। तो देख रहा आप लोगों ने कैसे आजकल का युवा अपने माँ बाप को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माता है। क्या सिर्फ इसलिए कि उनका पहनावा अलग है या उनकी बोली अलग है? क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? आइए देखते हैं नाटक का दूसरा भाग। हाँ चलो, मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी आता है मुझे, ये भी आता है। हाँ तो मुझे भरोसा है अपने आप पर कि मैं अपने एग्जाम में टॉप कर सकता हूँ। अब मेरे डांस का टाइम हो गया तो मैं चलो डांस की प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। डांस वाली टीचर भी आती ही होंगी। 1 2 3 4 1 2। अरे वाह रमा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आज तो तुम खुद प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो करके बताओ क्या सिखाया था मैंने। 2 3 4। गलत कर रहे हो तो? क्यों मैम? ये ऐसे था 1 2 3 4। हाँ मैम, एक बार करके दिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4। वापस गलत है। 1 2 3 4। हाँ मैम मैं कर लूँगा प्रैक्टिस। वापस करके बताओ। 1 2 3 4 5। फिर गलत है। 1 2 3 4। हाँ मैम मैं कर लूँगा प्रैक्टिस। और दूसरा स्टेप। 1 2। 1 2 3 4। ओके मैम मैं कर लूँगा। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है मैम। यार चल रमन से पूछ के आती हूँ, उसने कितना पढ़ा। मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है एग्जाम में। अरे हम तो बढ़िया, तू बता तू कैसा है? मैं तो बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे पढ़ाई पढ़ाई का तो पूछे मत, इतनी टेंशन हो रही है मुझे पढ़ाई की। भाई किस बात की टेंशन, तुम दोनों तो घर वालों को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो, सारा काम तुम्हारा सब बराबर हो। यार मुझे तो समझ में नहीं आता तू ये सब चीजें करता कैसे एक साथ। यार भाई बिना टेंशन लिए मैं अपने दिल से जो करता हूँ वो सब दिल से करता हूँ, तो तुम बिना टेंशन के सारे काम किया करो। अरे यार मुझे तो नहीं समझ में आता तू करता कैसे सारे काम एक साथ, हर चीज में तू डांस के अपने टाइम निकाल के कर लेता है। यार भाई देख, तुम तो यार पूरे दिन पढ़ते रहते हो, मुझे देखो, मैं बचपन से तुम